एलसीडी है, इसमें ब्लैक स्पॉट है। स्पॉट निकालने का आसान तरीका बताएंगे, आराम से इसका ब्लैक स्पॉट निकल जाएगा। देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्लैक स्पॉट है। आराम से इसको हम लोग निकालेंगे प्रेस कर करके धीरे धीरे। देखिए कितना ज़्यादा ब्लैक स्पॉट है इसमें। देखिए अब इसको आराम से हाथ से इसे ही थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे तो फैलता जाएगा। जितना ही फैलाएंगे उतना ही धीरे धीरे इसका ब्लैक स्पॉट निकलता जाएगा। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, जितना भी बड़ा स्पॉट है ब्लैक वाला उसको हम लोग दाब दाब के धीरे धीरे प्रेस कर करके उसको हम लोग फैला देंगे एकदम, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस करते रहें। प्रेस करते करते उसको फैला दें, जितना वो फैलेगा उतना ही तेज़ी से ख़त्म होगा। देखिए इसमें हम कितना बड़ा था वहाँ पर, इसको धीरे धीरे हम लोग फैला रहे हैं। फैलाते फैलाते जब एकदम बाहर निकल जाएगा, देखिए छोटा हो या बड़ा जो जितना भी उसको प्रेस करें, अगर थोड़ा बहुत प्रेस करने से नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा डिस्प्ले को टच मशीन पे हीट कर लें। देखिए कितना आसानी से एकदम प्रेस हो रहा है। तो हल्के हल्के हाथों से उसको प्रेस करके एकदम फैला दें, जितना हो सके उतना ज़्यादा धीरे धीरे इसको प्रेस करके पूरा फैला देंगे। फिर अगर थोड़ा बहुत कभी कभी क्या होता है कि प्रेस करने पर नहीं फलता है तो थोड़ा सा ज़्यादा नहीं एकदम हल्का टच मशीन पर हीट कर देंगे, ज़्यादा नहीं। ये ना कि ज़्यादा हीट कर देने पर जितना ब्लैक स्पॉट रहता है एक साइड आके इकट्ठा हो जाता है, इसके वजह से ज़्यादा हीट ना करें, हल्का ही करें। हल्का हीट करने के बाद उसको फिर नाखून से धीरे धीरे प्रेस करें, ब्लैक स्पॉट एकदम धीरे धीरे बाहर निकलता रहेगा। देखिए हमने सेट बंद हो गया तो फिर से चालू किया। देखिए अब एक बार हीट किए थे, देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया था। फिर उसको हम धीरे धीरे प्रेस कर रहे हैं, मतलब जितना भी अगर ब्लैक स्पॉट है छोटा है बड़ा है, ज़्यादा बड़ा भी है तो उसको फैलाने की कोशिश करें, चारों तरफ एकदम फैला दें। चारों तरफ फैल गए एकदम छोटा छोटा हो जाएगा तो फिर उसके बाद बबल रिमूवर में डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो बाहर निकल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। इसको हम कितना भी जितना भी कोशिश करें कि फैल जाए, इसको हम फैला रहे हैं। देखिए अब सेट ऑन होने दो, इसके बाद दिखता है कितना हम फैला दिए हैं। ये देख रहे हैं ना, यहाँ तक है। इसको आराम से धीरे धीरे फैलाएँगे, जितना हो सके उतना ज़्यादा फैलाएँगे ब्लैक स्पॉट को, जितना फैल जाएगा। उसके बाद बबल रिमूवर में एक नहीं पाँच छः बार जितना राउंड आप जैसे आपका बबल उसके हिसाब से डालें, डालते डालते रहेंगे तो बबल रिमूव खत्म हो जाएगा। शुरू में आप देखें कितना ज़्यादा था, अब इसको हम धीरे धीरे फैला रहे हैं। देखिए फिर उस साइड के इधर को फैला चुके हैं, नीचे का थोड़ा बहुत बाकी है, ऊपर भी छोटा छोटा उसको भी फैला देंगे पूरा। धीरे धीरे हम लोग फैलाएंगे इसको, जितना ही प्रेस करेगा थोड़ा बहुत ज़्यादा इसको हीट ना करें टच मशीन पर। जो कुछ भी ज़्यादा हीट करने से क्या होता है कि जितना भी बॉल सब इकट्ठा हो जाएगा, जिससे इसके वजह से हीट ना करें। हीट करने कोई सा प्रॉब्लम आता है बहुत ज़्यादा तो हीटिंग ना करें, आराम से इसको प्रेस करके बस निकालें। क्योंकि जब टच ग्लास ऐसा में डिस्प्ले में ओरिजिनल डिस्प्ले में होता है क्या है कि अगर टच ग्लास आप रिमूव करें टच मशीन पर काटें तो ब्लैक स्पॉट हर एक डिस्प्ले में अक्सर आ जाता है। तो उसका उसको निकालने का बेहतरीन तरीका यही है, आसानी से पूरा तो नहीं बट थोड़ा बहुत रह जाएगा, वो भी दो चार दस दिन में ख़त्म हो जाता है। फिर भी बहुत ज़्यादा है तो हल्का तो हो ही जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाए बहुत बचेगा तो थोड़ा बहुत बच सकता है, उसको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं एक दो दिन में। देखिए सेट हमारा बंद हो गया था, इसको फिर से हम लोग ऑन करते हैं, फिर आपको चेक कराते हैं कितना बचा है। फिर इसको बबल रिमूवर में हमने वीडियो ज़्यादा बढ़ा ना जाए, इसकी वजह से बबल रिमूवर में बीच बीच में डालते रह रहे हैं। इसको प्रेस करके निकाल के फिर बबल रिमूवर में डाल दें दो चार मिनट, फिर निकालें, फिर थोड़ा बहुत बचा रहे फिर उसको प्रेस करें, फिर बबल रिमूवर में डालें। देखिए इसको हम प्रेस करके कितना बढ़ा दिए हैं, सेट ऑन होने दीजिए, इसके बाद दिखाते हैं आपको। सेट तो अभी ऑन हो ही रहा है तब फिर भी इसको थोड़ा बहुत बबल जो दिख रहा है उसको हम बढ़ा रहे हैं। जितना ब्लैक स्पॉट इकट्ठा है उसको हम जितना भी बढ़ा सकें उसको जितना फैला देंगे पूरे डिस्प्ले में भी फैल जाए। उसके बाद बबल रिमूवर में डालेंगे तो ऑटोमेटिक सब ख़त्म हो जाता है, दिक्कत कुछ नहीं करता है। देखिए साइड साइड का पूरा फैला दिए हैं, बीच में का ये बचा हुआ है इसी को हम धीरे धीरे फैला रहे हैं। देखिए कहाँ तक ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे बॉल जो ब्लैक स्पॉट था नीचे बहुत ज़्यादा था, बॉल सब बहुत ज़्यादा था, देख सकते हैं कितना फैल चुका है। जितना इसको हम लोग नाखून से एकदम धीरे धीरे प्रेस करके जितना फैलाने उतना ही फायदा है। देखिए हमने नाखून से प्रेस करते 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 कितना फैला दिया एकदम।
एकदम पूरा ज़्यादा फैलाने के बाद फिर उसको बॉल रिवर में डाल के, कम से कम बॉल रिवर में डालने का मतलब एक राउंड में नहीं, दो दो मिनट या तीन तीन मिनट में कई राउंड डालते रहे, निकालते रहे जब तक बॉल रिवर एकदम कम ना हो जाए। स्पोर्ट जब तक एकदम कम ना हो जाए तब तक डालते रहे बॉल रिवर में, निकालते रहे। हमने बीच में वीडियो बॉल रिमोर का नहीं बनाया है, लास्ट में आपको शो करा देंगे क्या टेम्परेचर रख के कैसे क्या करना है, उसके लास्ट में आपको दिखा देंगे पूरा। तब तक इसको हम दिखाते हैं, देखिए कितना बॉल रिमोर ख़त्म हो चुका है, बहुत बचा होगा तो लास्ट में साइड साइड और बीच का हल्का हल्का बचा हुआ है बस, वो भी है जो भी है छोटा 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 वाला भी थोड़ा जल्दी नहीं निकलता है, उसको भी कोशिश करें कि जितना भी नाखून से प्रेस करके उसको बढ़ा सकें उतना बढ़ा दें, बढ़ाने से जल्दी से ज़्यादा ख़त्म होता है। देखिए हमारा शुरू में कितना था कितना हो गया, देख रहे हैं कि इस तरह आप किसी भी डिस्प्ले का ब्लैक स्पॉट आया है तो आसानी से आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। देख रहे हैं कितना ज़्यादा था, हमने इसको बढ़ा के बॉल रिमोर में डाला है लेकिन बीच का वीडियो नहीं बना डाले हैं, बट बॉल रिमोर में इसको डाले हैं बट बीच का वीडियो नहीं बना पाए हैं। आपको लास्ट में वीडियो बनाएंगे कि बॉल रिमोर का किस टेम्परेचर को सेट करके कैसे क्या करना है। देख रहे हैं कितना बॉल हमारा स्पॉट गायब हो चुका है, ये थोड़ा बहुत और थोड़ा और बचा है, तो अगर बॉल रिमोर से निकालने के बाद थोड़ा बहुत अगर बच रहा है तो फिर उसको हल्का हल्का छोटा छोटा फिर उसको प्रेस करके फैलाए, जितना आप फैला सके उतना आपके लिए अच्छा होगा। जितना ब्लैक स्पॉट है उसको जितना नाखून से प्रेस करके फैला दें उतना ही अच्छा होगा, फैलाते रहें जितना बचा। देखिए एक बार और फिर बॉल रिमोर से डाल के निकालें, अब देखते हैं कितना बचा है बॉल रिमोर का, हम आपको सीन नहीं दिखाए, लास्ट में उसको हम शो करा देंगे क्या टेम्परेचर कैसे क्या करना है। देखिए हमने फिर बॉल रिमोर से डाल के निकाला है, फिर आपको चेक कराएंगे कितना स्पॉट बचा है कितना नहीं बचा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टच मशीन पे इसको ज़्यादा हिट ना करें, बस एक बार कट के निकल गए बस उतना ही, अगर बॉल रिमोट नाखून प्रेस करने पर अगर नहीं ज़्यादा फैला है तब थोड़ा बहुत तो उसको हिट कर सकते हैं, वो भी ज़्यादा टेम्परेचर में हल्का सा हिट करें। देखिए हमने निकाल दिया साइड से, देखिए कितना ज़्यादा ब्लैक स्पॉट था लेकिन बस थोड़ा साइड साइड बचा है, इतना हल्का हल्का फिर बचा है, तो फिर उसको प्रेस करके फैलाएँगे, फिर जितना भी इकट्ठा हो रहा है फिर उसको प्रेस करके एकदम फैला दें, फिर मशीन में डालें बॉल में फिर निकालें फिर बच रहा है फिर प्रेस करें, जितना मतलब आपके पास टाइम है तब इसको करिए, 100% के आपका ब्लैक स्पॉट 100% है तो 20% बचेगा, 80% तो जाहिर सी बात है गायब होना ही होना है। आपको शुरू में देखे होंगे कितना ब्लैक स्पॉट था, लास्ट में कितना बचा है तो आप समझ ही सकते हैं कैसे कर रहे। देखिए साइड में बचा है अभी ब्लैक बॉल, इसको भी देखिए कैसे फैला रहे, देख सकते हैं कोने में बबल था ख़त्म हो गया, फैलाएं उसको, फिर ये छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है इसको भी फैला दे रहा है, धीरे धीरे जैसे हो सके वैसे एकदम फैलाते रहें, तो जितना इसको ब्लैक स्पॉट को फैला देंगे पूरे डिस्प्ले उतना तेज़ी से ख़त्म होगा। जितना भी आपको कोशिश करना है ब्लैक जितना भी स्पॉट इकट्ठा है उसको फैलाए, जितना भी फैल सके आराम आराम से पूरा फैलाते रहें, तो हम फैला फैला के साइड से पूरा निकालते रहें, जितना फैल जाएगा उतना आराम से इसका निकलता रहे, कोई दिक्कत नहीं करेगा ना कोई प्रॉब्लम। देखिए ऊपर थोड़ा सा था ब्लैक, उसको भी हम फैला रहे हैं, देखिए कैसे फैल रहा है आराम से उसको नाखून से हल्का हल्का पूरे, इतना ज़्यादा ना करें अपने हिसाब से, तो आपके पास डिस्प्ले जाएगा तो अपने हिसाब से प्रेस करेंगे कि ज़्यादा टूट ना सके या जो भी कुछ दिक्कत ना हो, हाँ तो इसके हिसाब से अपने नाखून प्रेस करेंगे टूटने का डर या कुछ ना हो, ऐसा नहीं है कि इसको इतना ज़्यादा नाखून से दाब दे कि डिस्प्ले टूट जाए, आराम आराम से प्रेस करेंगे कोई दिक्कत नहीं होता। देख ही सकते हैं हम कैसे कर रहे हैं, नाखून से देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक स्पॉट था उसको हम कितना फैला दिए हैं, फैला के इसको फिर उसके बाद बॉल रिमोर में हम डालेंगे, आपको साइड पूरा दिख नहीं रहा था इसके वजह से लाइट धीमी करके आपको दिखाई दिए हैं, देख सकते हैं कितना कम हो चुका है, फिर इसको हम एकदम फैलाने के बाद फिर बॉल रिमोर में डालेंगे, मतलब कम से कम इसको 7-8 बार बॉल रिमोर में डालेंगे तभी ये कम होता रहेगा, ये नहीं एक नहीं आप छोड़ देंगे तो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब आपको हम लास्ट में आपको दिखाएंगे कि बॉल रिमोर क्या है, उसका टेम्परेचर कितने पर सेट करना है कैसे नहीं करना है, अगर सेट ज़्यादा टेम्परेचर हाई पर अगर सेट करेंगे तो बॉल रिमोर नहीं निकलेगा, जितना इसका
हाई टेम्परेचर पे इसको सेट कर देंगे तो जो इसका ब्लैक स्पॉट है वो बाहर नहीं निकलेगा, तो इसलिए हाई टेम्परेचर पर सेट नहीं करना है। लास्ट में बबल रिमूवर में दिखाएंगे किस टेम्परेचर पर सेट करना है। अगर जीरो करके चलाएंगे तो जब हीटिंग नहीं होगा वो बॉल रिमोट का हीटिंग आप एकदम जीरो कर दें, बॉल रिमोट का हीटिंग आप जीरो कर देंगे तो जितना भी इसका स्पॉट है धीरे धीरे वो खींच लेता है। जब हीटिंग करेंगे तो बढ़ता जाता है, बॉल घटने के बजाय कभी कभी बढ़ जाता है। तो उसका टेम्परेचर उसका थोड़ा बिना रखें, आपको लास्ट में हम सीन कराएंगे कि डिस्प्ले उसका बबल रिमोर का टेम्परेचर कितना रखना है। देख सकते हैं आप डिस्प्ले में कितना बबल ख़त्म हो गया है, एकदम थोड़ा थोड़ा इस साइड में बस बचा है। अब शुरू में आप देखें होंगे कितना स्पोर्ट ज़्यादा था, लास्ट में देखिए कितना स्पोर्ट एकदम कम हो गया है, देख ही सकते हैं आराम से। फिर भी थोड़ा बहुत बचा है तो इसको हम नाखून से प्रेस करके बढ़ा रहे हैं कि जितना वो फैल जाए उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। फैलेगा फिर बबल रिमूवर में डालेंगे उतना ही स्पोर्ट धीरे धीरे कम होगा, जितना फैलेगा फिर बबल रिमूवर में डालेंगे उतना ही स्पोर्ट कम होगा। देख सकते हैं हमने इधर का पूरा एकदम पूरा गायब कर दिया, बस इस साइड का बचा हुआ है जिसमें ब्लैक वाला बहुत बड़ा था वही वाला बस बचा है, उसी को हम फैला रहे हैं। उसको भी धीरे धीरे देख रहे हैं छोटा छोटा बचा, सोच रहे हैं इसको भी फैला के, मतलब जितना आप इस पर टाइम देंगे आधे घंटे 35 मिनट लगेगा, जितना आप टाइम देंगे उतना आपका बॉल ख़त्म होता चला जाएगा। इतना ख़त्म हो गया, आप देखिए आप सेटअप को दिखा रहे हैं कि टेम्परेचर जो है इसमें 45 50 कोई 55 पे चलाता है, इसको आप शून्य एकदम कर दें, देख रहे हैं ना एकदम हमने शून्य कर दिया इसका जो टेम्परेचर है उसको एकदम शून्य पे चलाएँ और 2 मिनट 3 मिनट बाद बबल बंद करके फिर इसका गैस बाहर निकाल दें, फिर चालू करें 2 मिनट 3 मिनट, इसे कम से कम 5-6 राउंड करें। आपको बताया था ना कि लास्ट में आपको दिखाएंगे, खोल दें इसको, फिर 3 मिनट चलाएं, फिर बंद कर दें, ऐसे कई बार कम से कम 5-6 मरतबा करेंगे तो आपका स्पोर्ट जितना है और तेज़ी से खींचेगा। ये नहीं कि लगातार छोड़ दें, नहीं 3 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट जैसे भी मर्जी उसके बाद गैस इसका बाहर निकाल दें, फिर 2 मिनट बाद चालू करें, फिर 2 मिनट इसको चलने दें, फिर बाहर निकाल दें, फिर 2 मिनट, ऐसे करके 2-2, 3-3 मिनट करके 5-6 राउंड वर्क करेंगे, आपका एकदम है कि बबल स्पॉट ख़त्म हो जाएगा 100%। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें।